of pani. Hey guys, what's up everyone? It's your Sagar Chopra again back with a new vlog. So guys, आज का जो vlog है ना, सबसे ज़्यादा different होने वाला है, because आज से पहले मैंने कभी कोई recipe की video नहीं बनाई है, बाकी आप लोग video का thumbnail और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस रेसिपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली दालगोना कॉफी जो है वो साउथ कोरिया चाहिए और पिछले दो तीन दिन से ट्रेंड कर रही है लाइक टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं इसकी इतनी सारी वीडियोस और पोस्ट देखे ना मेरे मुँह में तो आ चुका है पानी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो इसकी ये है कि इसे बनाना जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ चार चीजों की जरूरत होती है और आपकी दालगोना कॉफी तैयार हो जाती है। पहली जो चीज है वो होती है कॉफी, दूसरी है शुगर, तीसरी है मिल्क और चौथा जो है वो हर किसी के घर पे होता ही है जो कि है पानी। तो ये चारों चीजों से मिलकर हमारी तो दालगोना कॉफी जो है वो रेडी हो जाती है। तो आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। सो गाइस, रेसिपी रेडी करने के लिए आप लोगों को तीन चीजें लेनी पड़ेगी। पहली लेनी है आपने कॉफी, आप किसी भी ब्रांड की कॉफी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपने लेना है पानी, गर्म पानी लेना है। तीसरा आपने लेनी है शुगर, और इन तीनों चीजों को इस बॉल में दो दो स्पून आपने मिक्स करना है। पहले मैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो चम्मच मैंने कॉफी मिला दी है, इसमें चीनी मैंने इसमें चीनी मिक्स कर दी है। अब आपने इसमें डालना है दो चम्मच गरम पानी, चाहे तो आप इससे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा यूज करना प्रेफर करूंगी। अब इसको मैं मिक्स करूंगा थोड़ी देर तक। फाइनली जब आपका ये पूरा मिक्सअप हो जाएगा तो इसको साइड में दो मिनट रख के, तो आपने इतना गिलास आपने दूध लेना है एंड देन आपने फिर इसमें एक स्पून चीनी जो है मिक्स करनी है। जब आपकी चीनी इसमें मिक्स हो जाए तो आपने इसमें अपने अनुसार तीन चार आपने आइस क्यूब डाल देने हैं। जब आप इसमें आइस क्यूब डाल देंगे अब आपको धीरे धीरे इसमें सारी चीज लेना है और इसको इस तरीके से रखना है, पर ये बिल्कुल रुक गई है, मिक्स नहीं हो रही अभी। वाओ गाइस, इतना अमेजिंग लग रहा है यार। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें ये जो बनाया है अभी ये मैंने इसमें डाल दिया, और आप लोग साइडों से देख पा रहे हो तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे से गिर भी गया है, और कितनी अच्छा यार, कितना बढ़िया प्यारा लुक आ रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसमें क्या कहते हैं कॉफी पाउडर डाल दूंगा थोड़ा सा इस तरीके से। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है देखने में यार, मैं बता नहीं सकता, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। सो गाइस, फाइनली दालगोना कॉफी जो वो बन के हो चुकी है रेडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो बनने का ना दिख कैसी रही है। तो गाइस, आप लोग दालगोना कॉफी को देख पा रहे हो तो देखिए यार, मैं आप लोगों को इसके ना पहले सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ। तेरे बिन जियो नहीं यो लगता है ते मर गई। I got $500 in cash in case they don't take MX. She wanted to see me, so now I'm headed to the NX. Sorority house, she snuck me in. She tried to. I hope कि आप लोगों को इसके cinematic shot अच्छे लगे होंगे। अब चेक करते हैं इसका taste कि दिखने में ही अच्छा है या पीने में भी अच्छा है। बट ये मेरा एक doubt है, इसको ऐसे ही पीना है या mix करके पीना है? एक बार मैं try करता हूँ ऐसे ही पीने की। अगर मैं होनेशली बताऊँ ना, जितना ये देखने में मुझे खूबसूरत लग रहा है ना, उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत इसका टेस्ट है। एक बार आप अपने घर पे ट्राई जरूर करना। बट मैं इसको पहले मिक्स कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ
तो यार गाइस मैंने इसको मिक्स करने की काफी कोशिश करी है, बट आप देख सकते हैं चम्मच में भी बल्कि चिपक गया ये, और ये कुछ कोल्ड कॉफी टाइप लग रहा है मेरे को। ऑसम, सो गाइस ये मुझे बहुत ही ऑसम लग रहा है, मतलब मजा आ गया। सो गाइस ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू कि मैंने खुद ही अपने हाथों से घर पे बनाई है रेसिपी और खुद मैंने टेस्ट भी करा है, तो आई थिंक आप लोगों को भी एक बार अपने घर पे ट्राई जरूर करना चाहिए, और जैसा भी टेस्ट हो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग फिर हम लोग करते हैं यहीं एंड, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज अपने फैमिली रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल।